सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का चैप्टर वन। चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। क्या है चैप्टर का नाम? है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा हस्तियाँ। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली हमारा एक चैप्टर सिक्स है। क्लास सिक्स में जाओगे तो एक चैप्टर है, उसी का ही है बड़ा पार्ट है। क्लास सिक्स में जाओगे तो एक चैप्टर है इन अर्लियर सिटीज़, उसी का ही ये पूरा डाइवर्स चैप्टर है। मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया गया है। क्लास सिक्स में भी इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, क्लास सिक्स में भी अगर आप जाओ तो इस चैप्टर के बारे में आपको जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें हम बात करने वाले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, पर हम चैप्टर यहाँ से चालू नहीं करेंगे, हम चैप्टर चालू करेंगे नीचे से। देखो, नीचे मैं पहले आपको डेट टाइमलाइंस बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टाइमलाइन में चलते हैं। रुको एक मिनट, हम पहले चलते हैं टाइमलाइन पे चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ, जल्दी जल्दी टाइमलाइन के पास चलता हूँ मैं। एक मिनट रुको, ये रहा, आओ जरा देखो टाइमलाइन देख लिया। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन से। तो पहले टाइमलाइन के बारे में जानो कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी से अगर 2 मिलियन ईयर्स पहले जाओगे तो हमें क्या मिलेगा? लोअर पैलियोलिथिक एज। अभी पैलियोलिथिक एज क्या है? देखो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, पैलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन। लिथिक मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो आज से अगर 2 मिलियन ईयर अगर जाओगे, 2 मिलियन ईयर्स है तो उधर मिलेगा आपको क्या? ओल्ड स्टोन एज। फिर उसके बाद आपको मिडल स्टोन एज मिलेगा, फिर अपर मिडल स्टोन एज मिलेगा, फिर मीजोलिथिक मिलेगा, फिर नियोलिथिक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चैल्कोलिथिक मिलेगा। चैल्कोलिथिक को कॉपर का एज कहते हैं, कॉपर एज। फिर तुम्हें पता है कॉपर के बाद क्या है? ब्रॉन्ज एज। फिर ब्रॉन्ज एज के बाद क्या है अपने पास? अभी आयरन एज चल रहा है, आयरन का समय चल रहा है। ठीक है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज की है। ये याद रख के चलो कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो कब की बात कर रहे हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन इज फ्रॉम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज की है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं 2600 से। पहले इसका टाइम पीरियड देख लो, तो ये इसका टाइम पीरियड है 2600 BCE से। BCE से आपका 1900 BCE, ठीक है, सॉरी, हाँ 1900 BCE इस टाइमलाइन की ये सिविलाइजेशन है, इस टाइम की सिविलाइजेशन है। ठीक है, काइंडली रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, तो अभी चलते हैं चैप्टर के बिगिनिंग पे। ठीक है, चैप्टर के बिगिनिंग पे चलते हैं सीधे। तो हमने टाइमलाइन समझ गए, हम फिर आया अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री मतलब हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, आओ जरा चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं। एक मिनट रुको, चैप्टर के स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ तुम लोगों। ठीक है, रुको, आओ जरा देखो। तो चैप्टर की बिगनिंग होती है, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सील दिखेगी, सील से चैप्टर चालू होता है। ये सील दिखेगी, ये एक सील है हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम पीरियड की। ठीक है, इस मोटिफ पे बना हुआ एक यूनिकॉर्न। ठीक है, ये याद रखना, ये यूनिकॉर्न है जिसके एक सींग है। लिखा हुआ है द हरप्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरप्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीयटाइट। ठीक है, सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिफ एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। लिखा गया है कि जो हरप्पन सील है वो हरप्पा की सबसे विशेष बात थी, इनके आर्टिफैक्ट की सबसे विशेष जो बात थी वो इनकी सील थी, ये वाली सील। इनकी जो सील होती थी वो एक टाइप के स्टोन से बनती थी जिसका नाम है स्टीयटाइट। क्या नाम है उस स्टोन का? उसका नाम है स्टीयटाइट। ठीक है, सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल और मोटिव एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। लिखा हुआ है कि ये सील्स पे एक एनिमल का मोटिव बना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा इनकी स्क्रिप्ट जो कि अनडेसिफर्ड है। ठीक है, तो इनके जो सील होते हैं उनपे मेनली एनिमल्स के मोटिव और इनके अनडेसिफर्ड मतलब इनका जो स्क्रिप्ट है वो लिखा गया है। ये लिखते थे एक सील के ऊपर, ये लोग क्या लिखते थे? एक एनिमल का मोटिव डालते थे और उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में कुछ लिख देते अपनी भाषा में। ठीक है, येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल
who lived in the region from what they left behind, their houses, ports, ornaments, tools and seals. In other words, from archaeological evidences, let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. देखो ये वाला लाइन लिखा हुआ है कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, कैसे जानेंगे? देखो उनके पास कोई रिटर्न, इन्होंने जो रिटर्न है इनके पास, समझो इन्होंने कुछ लिटरेरी कुछ सोर्स रख छोड़ के नहीं गए हैं, जो ये सोर्स छोड़ गए हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट है, जो हरप्पन्स की स्क्रिप्ट है, वो स्टिल अनडेसिफर्ड है, मतलब कि पढ़ा नहीं जा चुका, पढ़ नहीं पाए, ठीक है, पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो अब ये पढ़ नहीं पाए इनकी स्क्रिप्ट, सो हमारे पास क्या होगा भाई, अब इनकी जो लैंग्वेज है वो दब के रहेगी, जो ये कहना चाहते थे इनकी बातें वो अब हमारे सामने कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें इनके स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता। और इनका जो सोर्स मिला है जो इनकी, जिनसे इनके बारे में पता कर सके, वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल, मतलब जो भी ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है, इट मीन्स कि जो भी ये लोग चीज़ें लेफ्ट बिहाइंड अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसके बेस पर ही हम इनके सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ है ना, ये इस चीज़ को बिलोंग करती होगी, ठीक है। अगर ये कमरा है उसके अंदर बाथरूम है, ये वेल है तो वेल एक कम्युनिटी वेल होगा, ये एक हमें बाथ मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, तो वो किसी रिचुअल पर्पस के लिए होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जो भी इनके इनके बारे में पता चला है, इनके जो एविडेंस है जिन्होंने छोड़ गए हैं, जैसे उनके हाउस, इनके पोर्ट्स, इनके ऑर्नामेंट्स, इनके टूल्स, इनके सील्स, उसी के बेस पर हम लोग इनके लाइफस्टाइल को अज्यूम किया है बस। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट, देखते हैं अब हम कितना जानते हैं, क्या जानते हैं इनके बारे में और कैसे जानते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर यस अननोन एंड मे इवन रिमेन सो। लिखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे लिए अननोन है, मतलब जिनके बारे में हमें नहीं पता चला है और कभी हम जान भी नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें, इन चीज़ों का सोर्स ही नहीं मिल पाया। अगर इनकी, जैसे अब इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनकी स्क्रिप्ट हम कब डेसिफर कर पाएंगे, जब भाई हमारे पास कोई सोर्स मिलेगा जिसमें इनके जो स्क्रिप्ट है उनको डीकोड करके लिखा हो, है ना सर। अगर इनके स्क्रिप्ट को कहीं पे डीकोड करके ना लिखा गया हो तो हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लिखा गया है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट इन स्टाइल दैट आर यूजली फाउंड टूगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सर पहले आप जियोग्राफिकल, अब ये समझो कि बोलना क्या चाह रहे हैं, एक होता है कल्चर, ठीक है, एक होता है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुमको व्हाइट बोर्ड पर ले आकर समझाऊंगा। देखो लिखा गया है क्या, कल्चर और सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के बारे में बात किया इन लोगों ने। अब भाई कल्चर है ना एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही होता है, ठीक है। सपोज करो ये एक एरिया है, इसके अंदर ये लोग एक अपना, इनका एक आर्ट है, इनका कल्चर है, ठीक है। लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है कि भाई यहाँ पे भी वही चीज़ परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पे भी सेम कल्चर है, यहाँ पे भी सेम कल्चर है, तो देन वी कॉल्ड एज अ सिविलाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिविलाइजेशन, ठीक है। कल्चर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और एक सिविलाइजेशन है, मतलब बहुत सारे कल्चर, जब बहुत सारी जगहों पे सेम कल्चर को फॉलो किया जाए ना, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। आओ लिखा गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंग इन स्टाइल एंड आर यूजली फाउंड टूगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्चर क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है जो कि डिस्टिंक्ट बहुत विशेष होते हैं स्टाइल में, यूजली फाउंड कहाँ मिलते हैं, ये स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल एरिया में और एक स्पेसिफिक और एक पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब अगर 2017 की बात करें, 2017 में एक जगह थी, जैसे एक सपोज कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात है कि ये जगह है, यहाँ पे सब लोग एक रिचुअल मानते हैं, तो इनका कल्चर हो गया, ठीक है। इट डजंट मीन कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी इस रिचुअल को माने, अगर मानती, ठीक है, अगर मानती जो जो चीज़ें ये करते हैं वही चीज़ें ये भी करें, तो ये क्या हो जाएगी, सिविलाइजेशन। ऐसी चीज़ें यहाँ भी परफॉर्म हो जाए, या वैसी चीज़ें वहाँ भी परफॉर्म होनी चाहिए, यहाँ भी परफॉर्म होनी चाहिए और वह यहाँ भी परफॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर भी, ठीक है। जब सब जगह सेम कल्चर फॉलो हो तो सिविलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। आओ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड्स। अब क्या क्या मिला हमें भाई, सील मिले हैं, मोहर, बीड्स, वेट्स, स्टोन और ब्लेड्स मिले हैं। देखो अभी तुम इधर देख भी सकते हो, इधर देखो
तो इधर में क्या दिखेगा अपने को, ये देखो ये वाला जो है वो क्या है, ब्लेड है। ये जो दिखेगा आपको क्यूबिक क्यूब शेप में दिख रहा है, ये क्या है, इनका वेट्स है। और जो आपको यहां दिख रहा है वो क्या है, मोती मतलब अर्थात बीट्स है। क्या है, बीट्स है सर। ठीक है, आओ जरा। ठीक है, अब ये कहां कहां मिली है, आओ। दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान और गुजरात। जो ये चीजें हैं, जिस जो भी इनके जो कल्चरल चीजें मिली है, ठीक है, जैसे कि बीट्स हो गया भाई, वेट्स हो गया सर, और ये ब्लेड्स हो गया, कहाँ कहाँ से मिली, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात से। ठीक है, नेम्ड आफ्टर हरप्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। तो जो पहली साइट थी, फर्स्ट साइट कौन सी डिस्कवर्ड हुई थी, हरप्पा। हरप्पा किसने डिस्कवर्ड किया था, दयाराम सहानी जी ने। किसने, दयाराम सहानी। ठीक है, याद रखना ये नाम याद रखना, दयाराम सहानी जी ने हरप्पा सिटी का खोज किया था। ठीक है, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 टू 1900 BC। मैंने आपको बताया कि जो भाई ये सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 से 1900 BC का। देवर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स। अब भाई क्या ये कल्चर जो है, एक मिनट सॉरी तो जो ये कल्चर है 2600 BC से 1900 BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या इससे पहले ये कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, ये जो कल्चर है ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ऑब्वियसली करता होगा भाई। अगर ये रोटी अभी बन रही है गोल, तो इससे पहले भी रोटी बनती होगी ना, कि भाई इससे पहले रोटी नहीं बनती होगी, आड़ी टेढ़ी बनती होगी रोटी, लेकिन बनती होगी। ठीक है, तो ये बोला गया है कि 1900 BC तक तो इसका मैच्योर फेज रहा है। ठीक है, उससे पहले भी तो ये कल्चर एग्जिस्ट करता होगा, ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी भाई। ऐसा थोड़ी है कि भाई सीधे 2600 BC में ही पैदा हुए, इससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो लिखा हुआ है द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 टू 1900 BC, देयर वर अर्लियर, ये याद करना, अर्लियर एंड लेटर कल्चर। ठीक है, इसको अर्लियर और लेटर कल्चर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्ली हरप्पन और लेट हरप्पन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली हरप्पन, क्योंकि भाई 2600 BC तो हमारा मैच्योर फेज है ना, जिसको हम काउंट करते हैं। अर्ली हरप्पन भी होगा और लेट हरप्पन भी होगा, होगी नहीं, आओ जरा। इट्स कॉल्ड मैच्योर हरप्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर। ठीक है, इसलिए हम इसको हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड मैच्योर हरप्पन कल्चर। ठीक है, क्योंकि जो हम टाइम पीरियड, जो हम टाइम फ्रेम पढ़ने वाले हैं, वो मैच्योर हरप्पन पीरियड का ही टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, आओ जरा, ये मैंने बता दिया पिक्चर की भाई, ये देखो ये वेट है, ये क्या है, ये ब्लेड्स है और ये बीट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, आओ जरा देखो, ये है इंडस रिवर। ठीक है, इस इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी पे हमें क्या मिला है, मोहनजोदारो। ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है, तो यहाँ पे रावी नदी के किनारे क्या मिला हमें, हरप्पा। क्या मिला, यहाँ पे रावी नदी है, इसके किनारे क्या मिला हमें, हरप्पा। ठीक, उसके बाद क्या आया, ये हो कालीबंगन, कनेरी वाला कोट, डीजी चनहुदारो, अमरी बाला कोट, सुक्ता गेंडोर, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर और राखीगढ़ी, मिठाठल, मांडा। ठीक है, ये बहुत सारे हमारे पास क्या मिले हैं, कल्चर मिले हैं, आओ जरा, बहुत सारे कल्चर मिले हमें, आओ। अब बिगिनिंग कैसे होती है, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द हरप्पा, मैच्योर हरप्पन। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट एंड सम क्राफ्ट। अब देखो भाई, लिखा गया है कि जो मैच्योर हरप्पन है, उससे पहले भी तो उस रीजन में लोग रहते होंगे। ठीक है, जो ये कल्चर है मैच्योर का, उसके पास भाई डिस्टिंक्ट पोटरी है, मतलब विशेष प्रकार की पोटरी, खास पोटरी है। ठीक, एग्रीकल्चर का सबूत मिलता है भाई, ये लोग पशुपालन करते थे, पैस्टोरलिज्म करते थे, इसका सबूत मिला है।
क्राफ्ट का सबूत मिला, अर्थात ये लोग भाई चीजों को ही बनाया करते थे, ठीक है, कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी करते थे। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, सेटलमेंट जो थे, जो अभी हम बात कर रहे हैं कब की, अर्ली पीरियड की, ठीक है, सेटलमेंट्स स्मॉल हुआ करते थे एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, और कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती थी अर्ली अर्ली हरप्पन कल्चर में। इट अपीयर दैट देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द लेट हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन, अर्ली और मैच्योर के बीच में क्या एक गैप दिखा जा रहा है कि भाई अगर ये टाइम लाइन है, ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये अपना 2600 BCE है, तो भाई ये कम से कम एंड हुआ होगा 2400-2200 या 2400 के बीच में, ठीक है, सॉरी। तो इसके बीच में देखो टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, टाइम गैप दिख रहा है, इसी टाइम गैप के अंदर हमारा क्या बना, मैच्योर हरप्पन कल्चर, ठीक है। एविडेंट फ्रॉम अ लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स एज वेल एज अवेंडमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट्स, लिखा गया कि बहुत सारी साइट है वहाँ पे जले हुए जलने का निशान है। अब भाई जला क्यों होगा, जो हमारे अर्ली साइट्स है उनके लुप्त होने का क्या बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे लार्ज बर्निंग हुआ होगा उस साइट पे, या फिर लोग उस जगह को छोड़ गए होंगे। अब लोग क्यों छोड़ गए होंगे और क्यों चीज़ें कैसे जल गई चीज़ें, ये आप बताओगे मेरे को, ठीक है, आओ जरा। अब सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज मतलब भाई इनके जीवन कैसे ये लोग निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह करने के तरीके क्या है। अगर मैप 1 और 2 देखो, यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम पार्ट ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हरप्पन कल्चर। आप देखोगे कि बहुत सारे जो लेट हरप्पन कल्चर, मैच्योर हरप्पन कल्चर के जो साइट्स हैं वो अर्ली हरप्पन कल्चर से ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि जो बहुत सारे जो अभी मैच्योर हरप्पन के जो कल्चर हैं जो अभी डेवलप हुए हैं वो कहाँ पे, वो अर्ली हरप्पन का जो कल्चर का जो एरिया था वहीं से डेवलप हुए हैं, ठीक है। दीज कल्चर वर ऑल्सो शेयर्ड सर्टन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। अब भाई जैसे वो लोग, जैसे अर्ली हरप्पन के लोग खाना पीना करते थे, जैसे अपने जीवन निर्वाह करते थे, वैसे ही इनका इफेक्ट इन पर ही पड़ेगा। मतलब कि क्या भाई, कुछ लोग बच गए होंगे। देखो अब अर्ली हरप्पन में जब बर्निंग हुई तो कुछ लोग भाई या तो भाग गए होंगे वहाँ से, है ना सर, कुछ लोग वहाँ से भाग के दूसरी जगह इन्होंने रिफ्यूज लिया होगा, और जब देखा कि भाई नाउ द सिचुएशन इज नॉर्मल, वो फिर से आके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने जो कल्चर प्रैक्टिस देखी है वो क्या कैसी देखी है, वो पुरानी वाली, ठीक है। उधर कुछ कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड हुए हैं पुराने वाले जैसे, ठीक है। द हरप्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, अब ये लोग क्या क्या खाते थे ये देखो, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। अब ये लोग भाई प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट और फिश को कंज्यूम किया करते थे, ठीक है सर। इन्होंने लिखा है कि जो हरप्पन्स है वो वाइड रेंज में प्लांट्स, एनिमल्स और फिशेज को कंज्यूम किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेर्ड ग्रेन्स। अब भाई जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको चार्ड ग्रेन्स भी मिले हुए, मतलब जले हुए अनाज के दाने, ठीक है, जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं एंड सीड्स। अब भाई बीज, सर बीज क्यों आता होगा, बीज क्यों मिला इनको, ऑब्वियसली बात है अगर हमें इनको बीज मिला है, अगर इनको सीड मिला है, इट मीन्स वो लोग एग्रीकल्चर को जानते थे, ठीक है, देवर फेमिलियर विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। दीज आर स्टडीड बाई आर्कियो बोटेनिस्ट, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आर्कियो बोटेनिस्ट बोल रहे हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एंशियंट प्लांट रिमेन को पढ़ने में। आर्कियो बोटेनिस्ट किस चीज़ में स्पेशल होते हैं सर, ये लोग जो पहले बोटेनिस्ट किस में स्पेशल होते हैं, पहले तो ये बताओ, बोटेनिस्ट होते हैं वो लोग जो प्लांट की स्टडी करते हैं, और आर्कियो कौन होते हैं, आर्कियो कौन होते हैं, तो जो पुराने प्लांट जो एंशियंट प्लांट रिमेन्स को पढ़ेंगे वो हो जाएगा आर्कियो बोटेनिस्ट, ठीक है, आर्कियो बोटेनिस्ट कौन हो जाएंगे, जो पुराने प्लांट रिमेन्स को पढ़ेंगे। अब लिखा है कि ग्रेन्स फाउंड एंड हरप्पन साइट इंक्लूड, अब कौन कौन से ग्रेन मिले हैं, ग्रेन कौन कौन से मिले हमें, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम। अब देखो भाई तुम देखोगे कि ये वाले जो हमारे पास ये जो ग्रेन्स है वो आज के डे में भी लाइक मिलते हैं, ठीक है, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, ठीक है, मिलते हैं। तो उस टाइम पे भी लोग जो हमारे आर्कियोबोटेनिस्ट है उनको क्या क्या मिला, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम। मिलेट्स आर फाउंड इन गुजरात, अब जो मिलेट्स है वो भी मिला है गुजरात के, कुछ गुजरात का जो रीजन है उसके अंदर हमें क्या मिला है, मिलेट्स मिला है। अब लेकिन जो राइस है, राइस का जो हमें फाइंडिंग्स मिली है वो बहुत ही रेयर है, मतलब राइस जो है चावल है इसका मतलब वहाँ पे नहीं उगाया जाता होगा, क्या हम कह सकते हैं सर, वी डोंट नो, वहाँ पे लिखा गया है बस कि जो राइस है वो हमें
बहुत कम मिला है, रिलेटिवली रेयर। इट मीन्स भाई राइस जो था वहाँ पे वो महंगा मिलता हो शायद, इसलिए बहुत कम उगाया जाता होगा, है ना। एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। जो एनिमल हैं, अब एनिमल के बोन मिले हैं हरप्पन जो साइट है, हरप्पन साइट्स है वहाँ पे एनिमल के बोन मिले हैं। वो एनिमल कौन कौन से थे? कैटल था, शीप था, गोट था, बफेलो था और पिग था। अब ये लोग क्या करते हैं इनके साथ? अब ये जो शीप, कैटल और गोट, बफेलो, पिग, इन लोगों का क्या करते होंगे पहले ये बताओ? या तो इसको पालते होंगे, डोमेस्टिकेट करते होंगे, डोमेस्टिकेट करते होंगे, फिर बाद में या तो इसको काट पीट के खा जाते होंगे, ठीक है, या तो डोमेस्टिकेट करते होंगे, इनके दूध का इस्तेमाल करते होंगे। सुअर का तो दूध निकलता नहीं, पिक का दूध निकलता नहीं है, ठीक है, वैसे फीमेल का निकलता है। सो वी डोंट रियली नो कि भाई इसका क्या करते हो। शायद इसको भाई अपने डेली खाने की एक्टिविटीज़ में लेते हो, ठीक है, या फिर इनको पहले बच्चे बच्चे कोई भी एनिमल जो अपने बेबी फेज में होता है, बच्चे से बड़े होने के फेज में होता है, उसको पहले बड़ा करते हैं, फिर बड़ा करके खचा करके खा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लिखा है स्टडीज डन बाई आर्कियोजुलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। तो भाई अब ये तो हमारा मानना था कि ये लोग खचा करके खा जाते हैं, लेकिन आर्कियोजुलॉजिस्ट होते वो क्या बोलते हैं कि भाई शायद ये लोग डोमेस्टिकेट भी करते हो, मतलब इनका पशुपालन को पालते भी हो। अब भाई यहीं तक सीमित नहीं रहेगा चीज़ें, हमें वाइल्ड एनिमल की बोन्स है ना वो भी हमें मिले हैं, वाइल्ड एनिमल की जो बोन्स के रिमेन है वो भी मिले हैं। तो लिखा है कौन कौन से एनिमल भाई? बोर, डियर, घड़ियाल। घड़ियाल एक वाटर में होता है, पानी में मिल जाएगा, पानी का एक एनिमल होता है, तुम जाके गूगल करोगे तो उसकी फोटो दिख जाएगी, ओके। सो उन्होंने देखा कि भाई बोर, डियर, घड़ियाल ये भी मिले हैं। अब ये लोग क्या करते होंगे? सो वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन्ड द मीट फ्रॉम द हंटिंग कम्युनिटीज, बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। अब भाई हमें नहीं पता कि शायद ये लोग इसको खाते हो, हरियाल, डियर और बोर को, लेकिन अब ये या तो खुद शिकार कर सकते हैं, ठीक है, या तो खुद शिकार करने जाते हो, या फिर कोई हंटिंग कम्युनिटी हो जो कि भाई शिकारी कम्युनिटी होती है ना जो शिकार करते हैं, या फिर उनको बोल दिया गया हो कि भाई प्लीज़ अब प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रोवाइड कर देना, मेरे लिए भी थोड़ा सा आप लेके आ जाना, या फिर उनसे खरीदा जाता हो, ठीक है। वी डोंट रियली नो ना, वी आर ओनली क्या, हम बस वो कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ठीक है। और हमें क्या मिले? बोन्स ऑफ फिश, फिश के बोन मिले हैं, और फाउल के बोन मिले हैं हमारे इनके साइट्स पे, हमें इनके साइट्स पे, ठीक है। ये कुछ अरब, देखो अली हरप्पन कल्चर है, देखो अली हरप्पन ऑक्यूपेशन, देखो दम सदाद, कोट दीजी, सिसवाल, आमरीनाल, ये सारे अर्ली फेज के हैं हमारे हरप्पा के, अर्ली फेज के हैं ये, ठीक है, काइंडली रिमेंबर, अर्ली टाइम पीरियड के हैं ये। अब आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, अभी कैसे अपने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, तो देखो यहाँ बुल दिख रहा है, टेराकोटा बुल हो गया, यहाँ पे खिलौना मिट्टी का, आओ जरा। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. देखो हमें क्या क्या मिला है, हमें ये तो मिला है कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, क्योंकि भाई हमने वहाँ पे देखा भाई ग्रेन्स मिले हैं, इट मीन सर कि भाई वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा, लेकिन कैसे होता होगा ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू प्रैक्टिस, टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। क्या सीड को ब्रॉडकास्ट किया जाता था, मतलब छिड़का जाता था, ठीक है, या फिर मतलब कि पहले खेत की जुताई कर दी, फिर उसके ऊपर खेत जो सीड्स है उसको ब्रॉडकास्ट या फिर स्कैटर किया जाता था, छिड़क दिया जाता था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिकल एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस डेट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। अब भाई हमें क्या मिला है, ये ऑक्स मिला है, ये बुल मिला है, मतलब कि भाई ये लोग शायद बुल का यूज़ करते हो फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अज्यूम किया है, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट किया है कि भाई कि ये जो ऑक्सन है इसका यूज़ किया जाता होगा शायद प्लगिंग के लिए, खेती के लिए। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली। अब प्लग मतलब कि भाई पता नहीं क्या होता है, प्लग होता है
हल हल हल्के हमें मिले, हल्के हमें निशान कहाँ मिले, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में। ठीक है, अब चोलिस्तान कहाँ पे है, तो चोलिस्तान बेटा याद रखना ये है पाकिस्तान में, चोलिस्तान ये क्या है पाकिस्तान में। ओके आओ जरा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट राजस्थान कालीबंगा। तो भाई हमें प्लग्ड फील्ड के भी एविडेंस मिले हैं, मतलब खेत की जुताई के भी एविडेंस मिले हैं राजस्थान में। राजस्थान का कालीबंगन इलाका है, वहां पे जाओगे तो हमें क्या मिले हैं, प्लग्ड फील्ड के एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है, आगे लिखा है विद द अर्ली हरप्पन लेबल्स द फील्ड हैड टू शेड्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट द टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। हो सकता है कि भाई ये खेत हो सकता है कि ये खेत हो, उसके राइट एंगल मतलब उसको दो भागों में बाइफरकेट करके एक तरफ अलग क्रॉप और एक तरफ अलग क्रॉप उगाते थे। ठीक है कि नहीं। लिखा गया है कि हरप्पन शायद ऐसा ही करते हो कि भाई जो फील्ड है पहले तो जुताई जुता हुआ जो हमें प्लग्ड फील्ड मिला है। ठीक है, द फील्ड जो है उसके अंदर दो साइड्स ऑफ फ्यूरोज है, मतलब उसको राइट एंगल पे खेत को बाइफरकेट करके ये लोग खेती करते हो शायद। कि मैंने बताया कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे बोर्ड पे ले चलते हो तुम्हें, देखो शायद ये लोग क्या करते हो कि भाई ये हमारा खेत है। ठीक है, अब इसको बीच में से बांट दो। ठीक है, अभी एक फ्यूरो बन गया, राइट एंगल बन गया खेत की इस साइड भी इस साइड भी। अभी लोग क्या करते हो कि भाई यहाँ पे अलग अपना स्ट्रेटेजी यूज करते हो, यहाँ पे अलग क्रॉप उगाते हो, यहाँ पे अलग क्रॉप, यहाँ पे अलग क्रॉप, यहाँ पे टमाटर उगा लिया, मतलब नहीं टमाटर तो नहीं होता था उस टाइम क्योंकि हमें मिला नहीं है। यहाँ पे हमने वीट उड़ा, वीट का प्रोडक्शन कर लिया, यहाँ पे हमने लेंटिल का प्रोडक्शन कर लिया। कह रहे कि भाई दो दो क्रॉप उगाते थे, अब भाई देख लो दो क्रॉप उगाते थे मतलब समझ रहे हो कितने, मतलब कि एक अगर खराब भी हो जाए, अगर एक हमारा फसल खराब हो जाए कि मान लेते हैं वीट हमारे इस बार प्रोड्यूस नहीं हुआ, पानी यहाँ पे नहीं आया ढंग से, सो वी कैन कंटिन्यू आवर लाइफ विद द लेंटिल्स, जो लेंटिल्स हमने उगाए हैं उससे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे भी आइडेंटिफाई करने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश की है कि जो उनके टूल्स है हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज करते हैं वो भी हमें मिल जाए, वो मतलब मिल जाए नहीं, इनको जो हार्वेस्टिंग के लिए टूल है उसको भी इन्होंने जांचा परखा है। ठीक है, डिड द हरप्पन यूज द स्टोन ब्लेड्स। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या हरप्पन स्टोन ब्लेड का यूज करते थे। ठीक है, इन अ वुडन हैंडल्स, वुडन हैंडल्स में लकड़ी के हैंडल में स्टोन ब्लेड लगा के यूज करते थे या फिर वो किसी मेटल के टूल का यूज करते थे, बताओ। सो आगे लिखा है कि मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन क्या होता है, जहां पे पानी कम हो, पानी कम हो, पानी कम हो। ठीक है, सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरीगेशन आर प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर। यहाँ पे भाई पानी आपको या तो लाना पड़ेगा इरीगेट करने के लिए क्योंकि नेचुरली वो जो लैंड है वहाँ पे पानी कम है। ठीक है, तो हमें कैनाल के ट्रेसिस भी दिखे, मतलब कि भाई ट्रेसिस ऑफ कैनाल हैव बीन ऑल्सो फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ सोरतुगा इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमें क्या दिखा, कैनाल के ट्रेसिस, भाई कैनाल भी था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, कैसा कनाल वगैरह कुछ हमें देखने को नहीं मिलता पंजाब और सिंध के साइड पे। ठीक है, इट इज पॉसिबली दैट एनिशियंट कनाल सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। क्या लिखा कि भाई हो सकता है कि जो पुराने जो कनाल्स बने हो उसमें मिट्टी वगैरह भर गई हो जिससे कि वो फिल्ड अप हो चुके हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो लाइकली डेट द वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। ये भी हो सकता है कि जो पानी है कुएं से निकाल के इरीगेशन के लिए यूज किया जाता हो। ठीक है, इसके अलावा हमें धौलावीरा में, धौलावीरा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे हमें वाटर रिजर्वायर भी मिला है। वाटर रिजर्वायर मतलब कि भाई पानी अगर बारिश होती है सो वी विल रिजर्व दिस वाटर। ठीक है, सो वी कैन रिजर्व दिस वाटर मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब जो वाटर रिजर्वायर मिला है धौलावीरा में, आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल शायद हम लोग ये लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो, है ना। आओ जरा, सो वी हैव सम सेइंग्स बाई अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके द्वारा एक हमारे पास सेइंग मिला, जब इन्हें सैडल कौन मिला है, देखो ये सैडल कौन मिला है, तुम्हारे घर में भी इस्तेमाल होता होगा ये, किसके लिए, मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अर्नेस्ट मैके क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने, देखो जरा लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ, देखो
लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स एज वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। अगर हमें खाना बनाना है तो भाई इक्विपमेंट चाहिए, बर्तन चाहिए मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, कुक करने के लिए, है ना। दीज वर मेड ऑफ स्टोन मेटल एंड टेराकोटा। ये जो होते थे ये या तो स्टोन से बनते थे या मेटल से बनते थे या फिर मिट्टी से बनते थे। ये एक टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है ठीक है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सकवेशन एट द मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन हरप्पन साइट। हरप्पन साइट से मिला हुआ एक रिपोर्ट है जो कि हमारे अर्नेस्ट मैकी ने हमारे सामने रखा है। तो वो रिपोर्ट क्या कहती, देखो देखो, हरप्पन साइट में सैडल कॉर्न जो है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, पहले ये समझो ठीक है। तो लिखा है सैडल कॉर्न्स आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। लिखा गया है कि अगर सीरियल है, कोई भी अनाज है, उसको हम उसको पीसने के लिए ओनली एक जो एक एकमात्र साधन था वो था सैडल कॉर्न्स। तो यहाँ पे इनको दो टाइप के सैडल कॉर्न्स मिले हैं, एक तो ऐसा वाला भाई ओखली जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, जिसके ऊपर भाई एक हम दूसरा पीट सकते हैं ऐसे ओखली भाई यहाँ पे ठक 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 ठक, ठीक है, जिससे मसाले कूट जाते हैं, है ना। और दूसरा मिला है कौन सा, ये वाला, कौन सा मिला है, ये देखो ये वाला मिला है एक। तो लिखा क्या है, देखो लिखा गया है कि सैडल कॉर्न्स ओनली मीन्स इन फॉर ग्राइंडिंग सील एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली साइंस द हार्ड यूजेस। लिखा गया कि भाई इग्नियस रॉक से मिला है, बना है, और उस पर जो यूजेस दिखाते हैं, जो अगर आप उसको देखोगे कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है वो हम उसके उसको देख के बता सकते हैं। तो हमारे आर्कियोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि देख के बता दें, ये लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग में इन्होंने देखा होगा कि भाई जो इसका इसके जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड यूसेज हुआ है इसका, ठीक है। एज देयर बेसिस वर कॉन्वेक्स एंड दे मस्ट हैव बीन सेट इन द वॉर फॉर मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो इनका सेप है, देखो इसका सेप है कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कॉन्वेक्स सेप है, देखो कॉन्वेक्स फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, कॉन्वेक्स फ्रॉम द बॉटम। और क्या बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि इसको हो सकता है कि भाई जमीन में गाड़ के रखा हो जिसकी वजह से ये रॉकिंग ना हो। और यहाँ पे दो टाइप के हमें ऐसे कॉर्न्स मिले हैं, एक तो है कि दोज ऑन विच द स्मॉलर वन वॉज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो एंड अदर्स विद विच द सेकेंड वॉज यूज एज अ पाउंडर इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नेदर स्टोन। एक तो मिला है हमें भाई जिसके आगे पीछे जिसपे एक छोटा सा पत्थर है लाइक दिस, एक छोटा सा पत्थर है जिसको हम जिसको ये लोग एक छोटा सा पत्थर है जिसको ये लोग आगे पीछे यहाँ पे रफ करके शायद मसाले वगैरह बनाते हो, कुछ भी मतलब कुछ अनाज वगैरह पीसते हो। सेकेंड क्या मिला है कि भाई एक सेकेंड वाला मिला है जिसके अंदर एक छोटा वाला एक जिसके ऊपर एक स्मॉल पाउंडर होता है, स्मॉल पाउंडर होता है जिससे इसको कूटते हैं, ठीक है, जिसको हम ओखली के नाम से जानते हैं टुडे इन टूडेज लैंग्वेज, ठीक है। कॉर्न्स ऑफ लिखा है कॉर्न्स ऑफ द फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज फॉर सोलली फॉर ग्रेन। लिखा है केवल ग्रेन्स के लिए ही यूज होते होंगे जो पहला वाला है, मतलब ये वाला। सेकेंड वन पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स स्पाइसेस एंड फॉर मेकिंग करी। लिखा गया है कि दूसरा वाला जो यूज होता होगा वो शायद मसाले कूटने के लिए होता है, ठीक है। इन इफेक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप वर डब्ड करी स्टोन। फिर इसको बाद में इसका नाम क्या लिख दिया गया था, उस वाले टाइप के पत्थर का नाम जो कि ओखली ऐसा था उसका नाम इन्होंने रख दिया करी स्टोन, ठीक है। इनके जो वर्कमैन थे अर्नेस्ट मैके जो थे, इनके जो वर्कमैन थे इन्होंने इसका नाम क्या कर रख दिया, करी स्टोन। और बहुत सारे लोगों ने म्यूजियम से लोन ले लेके इसको अपने घर ले जाके इसको यूज़ किया कि भाई देखो बड़े पुराने टाइम का है, जरा इस्तेमाल करके देखो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा था रिजर्वायर के बारे में कि भाई धोलावीरा में एक रिजर्वायर है। तो हियर इज़ द रिजर्वायर जिसकी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, आपके बुक में भी दे रखी है, ये देखो यहाँ पे सीढ़ी दी है ताकि आप इस रिजर्वायर में उतर के आप पानी अपना जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उस पानी से पूरी कर सको, ठीक है, वेरी गुड। तो ये लिखा है अर्नेस्ट मैके ने जिस जो मोहनजोदारो के एक्सकवेशन हुआ था जब 1937 में उसके ऊपर, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है अब मोहनजोदारो एक प्लान सिटी थी कैसे। सबसे पहले बात याद रखना कि मोहनजोदारो में जो रोड्स थे वो 90 डिग्री पे कट करते थे एक दूसरे को, मतलब ग्रिड पैटर्न में ये लोग इन्होंने अपने सिटी को बसाया था, ठीक है। आओ जरा देख लें एक बार क्या लिखा गया है। परहैप्स द मोस्ट
यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन कल्चर्स। हाँ एक बात याद रखना, वर्ल्ड की फर्स्ट फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन। इसको याद करते हुए चलना। लिखा गया परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कल्चर, अर्बन सेंटर। हरप्पन की जो सबसे मेन डेवलपमेंट थी वो क्या थी? अर्बन कल्चर्स, ठीक है, अर्बन सेंटर जो इन्होंने डेवलप किया था। आगे लिखा है, ये मैप दे रखा है, देखो मोहनजोदारो की बात करेंगे तो मोहनजोदारो एक ऐसा स्टेट था जिसको हमने दो बार में डिवाइड कर रखा था, एक था वेस्ट वाला एक था ईस्ट वाला। जो वेस्ट वाला था और जो ईस्ट वाला था इनके बीच में डिफरेंस था, ठीक है। जो वेस्ट वाला पार्ट था उसका नाम था सिटाडल, जो ईस्ट वाला था उसका नाम था लोअर टाउन, ठीक है। अब क्यों क्यों इसका नाम सिटाडल और इसका नाम लोअर टाउन रखा गया बताओ? सिटाडल इसका नाम इसलिए रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर में था, मतलब ये हाइट पे बनाया जाता था। देखो ये कुछ ऐसा बनता होगा कि भाई ये ऐसे, तो यहाँ पे सिटाडल बनाते थे और यहाँ पे लोअर टाउन होता था इनका, क्या होता था? लोअर टाउन, ठीक है। तो सिटाडल एक हाइट पे होता था और ये नीचे होता था, मतलब जमीन पे, ठीक है। तो एक हाइट पे बनाते थे। अब इसके बनाने का कोई रीज़न होगा, या तो यहाँ कोई किंग रहता होगा, कोई राजा होता होगा, जब भी तो क्यों बनाया गया था, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो मतलब या तो कोई सरकार रहती होगी, कोई गवर्नमेंट इस कंट्रोल करती होगी, वी डोंट रियली नो कि भाई क्या था, ठीक है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है। तो ये याद रखना कि हाइट पे था और ये छोटा था, ठीक है, ये लोअर टाउन था, लेकिन इसके अंदर जो ये जो था वो बड़ा था, किससे? हमारे सिटाडल से। इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो भी ज़्यादा थी। आओ जरा लिखा है, although मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हरप्पा। अब देखो पहली साइट तो हरप्पा थी, तो अब मोहनजोदारो के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? भाई मोहनजोदारो इज नोन एज अर्बन सेंटर, तो भाई इसके बारे में तुम्हें समझना होगा, तो जिसको मैं समझाना चाहूँगा। देखो एक तरफ मैं लिख दिया हरप्पा, सॉरी ये हरप्पा, तो हरप्पा को जब एक्सकवेट किया गया, जब अलेक्जेंडर कनिंगम जब हरप्पा में रोड बन रही थी, सॉरी रेलवे बन रही थी, ठीक है, ये हमारे एएसआई थे उस टाइम के 1875, ठीक है, जब रेलवे बन रही थी हरप्पा में, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे ऐसा मॉन्ट टाइप का दिखा था, मॉन्ट टाइप का, ठीक है, ऊंची सी उठी हुई जमीन थी, ठीक है, एंड पीपल से पीपल लोगों ने देखा कि भाई ये तो ये ईंटें हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि जो ये ईंटें हैं वो कितनी पुरानी हैं, हाउ ओल्ड दोज वर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल लोग थे और जो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने पैसा बचाने के लिए जो यहाँ की जो ब्रिक्स थी वो रेलवे में यूज कर लिया भाई। अब हरप्पा कल्चर की जो ब्रिक्स थी उन्होंने रेलवे में यूज कर लिया, इट मींस वहाँ से जो बहुत सारा जो हमारा आर्कियोलॉजिकल रिमेन है वो गायब है, वो तो भाई लोग ले गए अपने साथ, कहाँ, रेलवे में इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो ये भी देखा गया भाई। अब कितनी ईंटें चोरी हुई थी, इतनी ईंटें चोरी हुई थी कि ये लोग बोल रहे थे 100 माइल तक हम लोग रोड बना सकते हैं, इतना इन्होंने चोरी किए हैं, सोच लो, ठीक है। द सेटलमेंट, अब हरप्पन से फिर से मोहनजोदारो पे आते हैं, तो जो सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, स्मॉलर बट हायर, छोटा है वहाँ की जो पॉपुलर डेंसिटी है वो छोटी है, लेकिन वो ऊंची जगह बनता था, ठीक है। और एक जो दूसरा वाला है वो कैसा था, मच लार्जर बट
लोअर या मट लार्जर बट लोअर। अब यहाँ पे इसका डायग्राम मैं वो दिखा देता हूँ, देखो ये वाला तो मैं दिख रहा होगा, ये सीटाडेल, और ये जो तुम्हें बड़ा वाला दिख रहा है ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना लोअर टाउन, क्या है अपना लोअर टाउन, ये है सीटाडेल। ठीक है, तो तुम देखो कि ये जो एरिया है वो छोटा है, स्मॉलर है, ये एरिया है वो लार्ज है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो सीटाडेल है वो छोटा है, जो ये अपना लोअर टाउन है वो लार्ज है। ठीक है, आओ जरा आगे देखो, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, अब लोअर, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दैट डीज एज द सीटाडेल्स एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। इनको इनका नाम क्या दिया है, सीटाडेल और लोअर टाउन। द सीटाडेल वॉज इट्स ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। कि भाई जो बिल्डिंग्स है सीटाडेल में वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे, अर्थात कुछ ऐसे पहले प्लेटफॉर्म बना दिया गया हो, ऐसे ईटों का, ईटों का कुछ प्लेटफॉर्म बना दिया गया हो। ठीक है, अब इसके ऊपर भाई तुम अपनी बिल्डिंग बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसलिए हाइट पे थी, है ना। आओ जरा देखते हैं, द सीटाडेल वॉज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ फिक्स्ड बिल्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे जो बिल्डिंग्स थे सीटाडेल में वो कंस्ट्रक्टेड थे। इट वॉज वॉल्ड, और जो सीटाडेल था वो पूरा तरीके से वॉल्ड था, मतलब कि भाई चारों तरीके से इन्होंने दीवार लगा रखी थी। इसका मतलब ये फिजिकली सेपरेटेड था लोअर टाउन से। अब भाई मेरा घर है, ठीक है, और मैं दीवार लगा दिया, मतलब मैं अपने घर को पूरी गली से बाकी लोग हैं उनसे सेपरेट कर रहा हूँ खुद को, तो यही हो रहा है कि फिजिकली सेपरेट किया गया है लोअर टाउन को, है ना। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, जो लोअर टाउन था उसको भी दीवार लगा रखा था, यहाँ पे भी फिजिकल सेपरेशन। देखो, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज अ फाउंडेशन। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस, इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन परसेंटेज, इन अदर वर्ड्स मोबिलाइजिंग लेबर। अब देखो इधर आओ, अब देखो इतना बड़ा, यहाँ पे सीटाडेल है, यहाँ पे लोअर टाउन है, ठीक है, यह है सीटाडेल, यह है लोअर टाउन। अब ये समझो कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना बड़ा जो हमारा लोअर टाउन है उसकी फाउंडेशन ही बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी है, इसकी फाउंडेशन ही इतनी है, फाउंडेशन नींव ही इतनी बड़ी है ईंटों की, कि अगर एक व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति इसको बनाना चाहे तो वो उसको 4 मिलियन लोग चाहिए अगर ये एक दिन में बनाना चाहे तो, 4 मिलियन पर्सन, ठीक है, 4 मिलियन लोग चाहिए अगर वो एक दिन में इसको बनाना चाहे तो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके लिए वर्कर मंगाए गए होंगे, लेबर्स को मंगाया गया होगा, लेबरर्स को मंगाया गया होगा बाहर से, मोबिलाइज किए गए होंगे लेबर्स को, क्या क्या होगा, मोबिलाइज किया गया होगा, ठीक है। तो तुम देखो कि भाई इतना एडवांस था कि यहाँ पे लेबर्स को मोबिलाइज किया गया है ना। आओ जरा, पर्सन ऑन अ स्केल लार्ज स्केल, कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म वर बिल्ट इन अ प्लेस। अगर पहले मैंने क्या बोला कि भाई प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा था, इनका जो फाउंडेशन ही इतनी बड़ी थी, ठीक है, ठीक है। अब लिखा गया है कि अगर एक बार जब वो प्लेटफॉर्म बन जाता है, ये प्लेटफॉर्म अगर बन जाता है तो उसके बाद अपने फिक्स्ड एरिया में भाई घर बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अपने घर भी बनता है तो पहले नींव डलती है, नींव के बाद जितना अपना जमीन है उसके ऊपर घर बनाते हैं, है ना। कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म वर बिल्ड इन ऑल बिल्डिंग्स, एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फिक्स्ड एरिया है जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, भाई इस पर अपना घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। कहा जा रहा है कि पहला जो ये सेटलमेंट भाई पहले प्लान किया गया हो। अभी के टाइम में देखो, प्लान से क्या अर्थ है मेरा कि भाई अभी के टाइम में देखो, तो तुम घर बनवाते हो, हाउस जब तुम कंस्ट्रक्ट कराते हो तो तुम हाउस के लिए प्लानिंग करते हो, ठीक है, पहले आर्किटेक्चर बुलाते हो, नक्शा बनाता है, ठीक है, फिर इंजीनियर्स आते हैं और। लेकिन वहां पे अगर हरप्पन सिविलाइजेशन में जाए, हरप्पन को देखो, इनकी जो रोडे थी, ठीक है,
ठीक है, इनकी रोडों के नीचे से पाइप गुजरता था। अगर मैं ये रोडे हैं तो यहाँ से ये पाइप गुजरती थी नीचे से, नाली की। ठीक है, आज की प्लानिंग देखो जरा। हाँ, आज की प्लानिंग जरा जाके देखो तो पहले रोड बना देते हैं लोग, फिर उसी रोड को बाद में उखाड़ देते हैं। क्यों भाई, हम भूल गए थे कि नीचे नाली भी डलनी है ना, ऐसा होता है। तो लिखा होगा कंसिडर फिक्स्ड एरिया ऑन प्लॉट, सो इट सीम दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंटेड। अदर साइंस प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स थी, विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। अब ब्रिक्स के बनाने के दो तरीके थे इनके पास, या तो बेक करते थे या सन ड्राई, मतलब सूरज के पास रख देते थे, जब ये बन जाता था सूरज के पास ये खुद ही सूख जाते होंगे। बेक मतलब इनको तपाया जाता हूँ। ठीक है, वर अ स्टैंडर्डाइज रेशो, और इनकी जो ब्रिक्स थी उनका रेशो भी ऑलमोस्ट हर जगह, ऑलमोस्ट क्या मतलब अप्रोप, इनकी जो रेशो था इनके ईटों था ब्रिक्स का, वो हर जगह सेम था। एंड व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर ब्रिक्स, 4:2:1। तो ये क्या हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। ठीक है, तो ये रेशियो था इनके ब्रिक्स का। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट, मतलब जो लेंथ हो 4 times हाइट के, और जो अपना ब्रेथ था वो 2 times है, और जो हाइट के, ठीक है, हाइट से अगर 2 times है तो 2 और 4 times तो 4। सच ब्रिक्स वर यूज एट द ऑल हरप्पन साइट्स, और बोला गया कि ऐसे ब्रिक्स जो है वो हरप्पन के हर साइट्स पे मिली गई है, हर हरप्पन साइट पे इन्होंने मिली है। अब ड्रेन्स के बारे में देखते हैं। ये देखो, इधर एक पिक्चर दिख रही है, ये देखो नाली है, यहाँ पे लोग ओपनिंग है, यहाँ पे देखो नाली खुलती थी। देखो कितना बड़ा है, इसका मुंह देखो, इसका चेहरा देखो एक बार, और आजकल की नालियों को देख लो, इतना सा होता है। वैसे नालियाँ यहाँ पे छोटी है, ये तो ओपनिंग है, तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा आदमी समा गया, देखो पूरा पूरा आदमी समा गया इसके अंदर। अब लेइंग आउट ड्रेन्स, ड्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हरप्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी बहुत ज्यादा एडवांस था। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग द एप्रोक्सिमेट ग्रिड पैटर्न। मैंने बोला कि भाई रोड्स और जो रोड्स थे वो कैसे ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे, है ना। इंटरेस्टिंग, एट राइट एंगल्स इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स वर ड्रेन्स, स्ट्रीट्स विद द ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलोंग देम। लिखा गया कि पहले स्ट्रीट्स बनते थे नालों के साथ साथ, मतलब अलोंग मतलब उसके साथ साथ ही नाला चलता था, ठीक है, उसके बाद घर बनाए जाते थे। ठीक है, इफ डोमेस्टिकेट वाटर एंड हैड टू फ्लो इन टू द स्ट्रीट ड्रेन्स एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग साइड। अब भाई सबको अपने घर का अगर वेस्ट है उसको नाले में डालना है तो सबको अपने घर की एक दीवार नाले के किनारे में रखनी होगी, स्ट्रीट के एक दीवार जो होगी स्ट्रीट के अलोंग रखनी पड़ेगी, तभी तो नाली से कनेक्ट हो पाएगी, है कि नहीं। सिटाडेल के बारे में क्या लिखा है, यहाँ देखो लिखा क्या है, वाइल द मोस्ट हरप्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन, देयर आर वेरिएशन। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में दिखा दूँ कि भाई जब तुम धोलावीरा में जाओगे हर जगह तो दो पार्ट मिले, लेकिन जब तुम धोलावीरा में जाओगे तो 3 मिलेंगे। लोअर पार्ट के भी, लोअर टाउन का भी 2 सेपरेशन कर रखे हैं, क्या लोअर टाउन के भी 2 सेपरेशन कर रखे हैं इन्होंने सीट वहाँ पे धोलावीरा में, धोलावीरा और लोथर में जाओगे तो 2 सेपरेशन किसके कर रखे हैं अलग अलग, लोअर टाउन का, किसका, लोअर टाउन का, और उनको भी सेपरेट करके क्या कर रखा है, फोर्टिफाइड कर रखा है। दिस सेक्शन विद इन द लोअर टाउन लोअर वाज आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स। भाई ये सिटाडेल है, ये अपना क्या है लोअर टाउन, इसमें भी 2 पार्ट है और दोनों को ही वॉल कर रखा है, देखो कितने चालाक थे ये लोग, है ना। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ, सिटाडेल था जो सिटाडेल है लोथल के अंदर, सिटाडेल है उस पर कोई भी भाई वॉल नहीं बनाई गई थी, कोई भी वॉल मतलब दीवार नहीं बनाया गया था, जो बाकी सेटलमेंट्स पर हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज लाइक अदर सिटाडेल्स, बाकी सिटाडेल जैसा नहीं था कि भाई यहाँ पे वॉल बनाया गया, जो आपको वहाँ मिलेगा लोथल का जो सिटाडेल मिलेगा वहाँ पे तो भाई कोई वॉल भी नहीं है। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट हाइट, लेकिन वो हाइट पर बना हुआ था, वहाँ पर कोई भी वॉल नहीं था। इट मीन्स कि तुम देखो
इन्होंने धोलावीरा की बात की है और लोथल की बात की है। इन्होंने बोला कि जो धोलावीरा है वहाँ पे जो लोअर टाउन है वो दो सेक्शन में बटा हुआ था, ठीक है। और जो लोथल की बात की है, उन्होंने बोला लोथल में कि भाई लोथल का जो सिटाडेल है वहाँ पे कोई भी वॉल नहीं था, ठीक है, लेकिन वो हाइट पे बना हुआ था, एक हाइट पे बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई वॉल नहीं था, ठीक है, यही बताया गया है। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखते हैं। अब देखो, द लोअर टाउन ऑफ मोहेंजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंटल बिल्डिंग्स। मोहेंजोदारो का जो लोअर टाउन है वो रेजिडेंटल बिल्डिंग मतलब आम लोगों के रहने की जगह थी। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्ट यार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड। लिखा गया है कि बहुत सारे जो कोर्ट यार्ड थे और उसके साइड में पूरी तरीके से कमरे थे, ठीक है। द कोर्ट यार्ड्स वर प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। कहा गया है कि जो कोर्ट यार्ड है वो शायद इनका जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी हो, यहीं पे कुकिंग बनाते हो आंगन के अंदर और वीविंग सिलाई वगैरह कढ़ाई वगैरह करते हो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। कब? हॉट या ड्राई वेदर के अंदर ये लोग बाहर आके खाना बनाते हो। आपने भी देखा होगा कि जब आप गर्मियों में गाँव में जाओगे तो मम्मी लोग जो होती है, अगर गाँव में आप रहे हो तो कभी, तो ये लोग किचन में नहीं, किचन के बाहर आके खाना बनाते हैं क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। What is also interesting is an apparent concern for privacy. There were no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. लिखा गया है कि जो इनकी इन्होंने सबसे ज्यादा मेन ध्यान दिया है किस पे? प्राइवेसी पे। हाउ? कि भाई कैसे? तो कैसे, तो इन्होंने बोला कि भाई पहले तो कोई भी खिड़की नहीं थी ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे अगर ये ग्राउंड लेवल का घर है तो यहाँ पे कोई खिड़की नहीं थी, और अगर आप घर में आ भी जाते हो तो कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता, मतलब कि इनका जो घर होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आंगन वगैरह बीच में होता है तो इधर कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे डायग्राम दे रखा है, आई विल शो यू, आओ ये देखो, ठीक है। तो ये इनका कोर्टयार्ड है, देखो इनका कोर्टयार्ड है, तो कोर्टयार्ड से अगर इधर आओ, इधर आओ, तो अगर ये एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ खड़े हो, सोचो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल खड़ा है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल खड़ा है, तो क्या डायरेक्ट कोर्टयार्ड में देख सकता है क्या? नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना, तो ये प्राइवेसी मेंटेन किया गया। और देखो ग्राउंड लेवल पे तो हमें कोई भी खिड़की नहीं दिखेगी, देखो कोई भी खिड़की नहीं दिखेगी, है ना, आओ जरा, ठीक है। तो नो विंडोज, बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव द डायरेक्ट व्यू टू द कोर्ट यार्ड, ये मैंने बता दिया। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, और हर घर के अंदर बाथरूम था जो कि ब्रिक्स से बना हुआ था, ब्रिक्स से पेव मतलब टाइल्स का यूज हुआ हुआ वहाँ पे। विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो ड्रेन्स है, जो नालियाँ है वो दीवारों के कहाँ पे, वॉल्स, जो वॉल्स है वहाँ से कनेक्ट होती थी ड्रेन्स, मतलब कि अगर ये घर है तो यहाँ पे एक साइड से क्या नाली के लिए पाइप निकल रही होगी, है ना। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी ऑफ द रूफ। कई घरों में तो इन्होंने क्या देखा कि भाई सीढ़ियाँ भी है। अब सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों होगा? या तो उनके छत होगा या फिर दो मंजिल का मकान होगा। मैनी हाउसेज हैड वेल्स ऑफन इन अ रूम डेट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय द पासर बाई। और इनके घरों में क्या था, इनके घरों में भाई कुएं भी थे, लेट मी शो यू। तो यहाँ आप देखोगे इस वाले में रूम नंबर 6 में, ठीक है, रूम नंबर 6 में वेल था, क्या था, कुआं था, ठीक है। तो भाई ऐसा होता होगा कि लोग आते होंगे यहाँ पे घुस के पानी पियो और भाई चलते बनो, है ना। ऐसा था कि भाई वो जो वेल था वो इजीली एक्सेसिबल था फॉर द पासर बाई, मतलब जो गुजर रहा है उनके लिए भाई कुआं भी बना रखा था इन लोगों ने, मतलब कम्युनिटी वेल हो सकता है या तो एक कि भाई सबके घरों में होना जरूरी है, ठीक है। With drains connected through the walls, some houses have the rain or staircases had walls often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passerby. Scholars have estimated that total number of wells in Mohenjo-daro about 700. Mohenjo-daro में total about 700 कुएं मिले हैं, सोचो, सोचो 700 कुएं मिले हैं, ठीक है। अगर तुम गांव में जाओगे तो एक या दो कुएं होंगे, उसी से पूरा गांव अपना काम चलाता होगा, लेकिन यहाँ पे 700 कुएं मिले हैं, समझ सकते हो, इमेजिन करो एक बार, 700 के इज क्वाइट अ नंबर भाई, है ना। अब सीटाडेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सीटाडेल, इट इज ऑन द सीटाडेल डेट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स डेट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस।
सिटाडेल के अंदर हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हैं जो कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज किए होंगे। इसके अंदर क्या था, जैसे कि वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे लोग अपने सामान को रखते हैं, जब वो एक्स्ट्रा स्टोर हाउस कह सकते हैं। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन वाइल द अदर अपर पोर्शन वॉज प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग एगो। अब देखो ये कैसे बनता था, देखो जो वेयर हाउस है इन्होंने बोला कि नीचे जो था वो तो भाई लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, सॉरी ईंटों का प्लेटफॉर्म था, ठीक है ईंटों का प्लेटफॉर्म था, लेकिन जो ऊपर जो था वो लकड़ी का था, तो लकड़ी जो है वो डीके हो गई हो, लकड़ी जो है वो डीके हो गई है, ठीक है डीके डालोंगे वो, और ग्रेट बात मिला हमें। अब ग्रेट बात के बारे में क्या कहते हैं, द ग्रेट बात अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑफ ऑल फोर साइड्स। तो ये जो ग्रेट बात मिला है वो कहाँ मिला है हमें, एक आंगन में, ठीक है कहाँ मिला है हमें, एक आंगन में। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है इस ग्रेट बात का, देखो ये ग्रेट बात है, यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं नॉर्थ से भी और साउथ से भी, देखो चारों तरफ यहाँ कमरे हैं। और पढ़ा देता हूँ तुम्हें एक बार, देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग टू द टैंक। देखो साउथ से भी है और नॉर्थ से भी है टैंक के अंदर जाने के लिए। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग अ ब्रिक्स ऑन अ एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। अब जिप्सम का यूज करके इस जो वाटर टैंक है उसको वाटर टाइट बना दिया गया, ताकि इसके अंदर से जो वाटर है वो फ्लो करके बाहर निकल जाए, मतलब लीकेज ना हो, ठीक है। देवर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, देखो थ्री साइड्स में रूम थे, देखो एक ठीक है दो तीन, ठीक है तीन साइड में रूम थे, ठीक है। इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्जर वेल, उनमें से एक में क्या था बहुत बड़ा वेल था, क्या था कुआं। इन वन ऑफ थ्री साइड्स, इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्जर वेल, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इन टू अज ड्रिंक। अब जो भाई वो टैंक है जो वाटर, वो हमारा जो ग्रेट बात है उसके अंदर से जो पानी होगा वो ड्रेन्स के अंदर जाता होगा, ह्यूज ड्रेन्स के अंदर। तो लेन नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद द इट। अब समझो, पहले समझ लो क्या बता रहा हूँ मैं, कि भाई जो वाटर होगा उस बात ग्रेट बात का, उसका पानी बाहर जाने के लिए ड्रेन से कनेक्टेड होगा, मतलब उसके अंदर भी वॉल एक पाइप होगी जो ड्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करती होगी, है ना। अगला हमारे पास क्या, टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद द एट बिल्डिंग। नॉर्थ में जाओगे तो हमें एक स्मॉलर एट बिल्डिंग का स्मॉल बिल्डिंग दिखेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्थ ये था, ठीक है सॉरी, ये नॉर्थ है, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ में इनके लिए एट बिल्डिंग्स एट रूम्स है एक बिल्डिंग में, है ना। ऑन द नॉर्थ साउथ लीडिंग टू द टैंक, आओ जरा लिखा है ह्यूज ड्रेन अक्रॉस अ लेन टू नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद एट बाथरूम्स फोर ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर। आठ बाथरूम थे हर एक साइड में, चार हर कॉरिडोर के हर साइड में चार, ठीक है। कनेक्टिंग टू अ ड्रेन डेट रेन अलॉन्ग द कॉरिडोर, और जो ड्रेन था जो नाली थी वो उस कॉरिडोर के अलॉन्ग ही चलती थी। देखो ये नाली, ये रुको, ये देखो यहाँ से ये ड्रेन है, ये नाली यहाँ से गई है, ठीक है आओ जरा। ठीक है कनेक्टिंग विद ड्रेन फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट ड्रेन अलॉन्ग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के अलॉन्ग ही वो ड्रेन जो है नाली है वो चलती थी। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड द सिटाडेल, यह कहाँ मिला है सिटाडेल में और क्यों मिला होगा भाई, यहाँ पे कोई पब्लिक पर्पज के लिए लोग जाते होंगे भाई, कोई रिचुअल बात होता होगा, है ना सर। हैज लेट स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बात, कोई रिचुअल बात होता होगा इसलिए लोगों ने क्या बनाया ग्रेट बात। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार समझाया था तुम लोगों को, देखो तो ये क्या है ग्रेट बात, ये ग्रेट बात दोनों तरफ से स्टेयर्स हैं जो कि इसके अंदर जाने के लिए परमिशन देती हैं, ठीक है। और क्या है देखो, लिखा गया है कि इसको मोटर और जिप्सम से इनको बाउंड कर रखा था, बांध रखा था, ठीक है। देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, तीनों साइड में क्या थी रूम था, ठीक है क्या था देखो, ये अगर वो बात है तो तीनों साइड या रूम होंगे, है ना।
उसके बाद आठ बाथरूम थे, आठ बाथरूम थे मतलब चार एक साइड चार एक साइड होंगे, किसी भी साइड हो सकता है ना। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आ गया हो। और ये रिचुअल बात के लिए यूज हो, किसी रिचुअल तरीके के लिए यूज होता होगा। अब भाई अब इतना तो हमने पढ़ लिया भी होता हो कि सोसाइटी अमीर थी गरीब थी, जो वहाँ के लोग थे वो अमीर थे गरीब थे, ये पता करने के दो तरीके हैं। पहला हो सकता है कि भाई पहला क्या हो सकता है कि भाई जो पहला हो सकता है कि जो सामान वो इस्तेमाल करते हो। दूसरा क्या होता है कि भाई उनके कब्र देखो, अगर वो ब्यूरियल्स अगर लोगों को दफनाते होंगे, लोग जब मर जाते हैं उनको दफनाने के दो तरीके होते हैं, मतलब उनके आफ्टर डेथ के बाद, आफ्टर अ पर्सन इज डेड उसके बाद दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसका क्रिमेशन कर देंगे या उसको जला देंगे, या उसको कई ब्यूरियल उसको गाड़ देंगे, ठीक है, गड्ढे में डाल वगैरह के रख देंगे। तो देखते हैं, लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग द पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर, दीज इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स। कैसे पता कर सकते हैं ब्यूरियल्स को स्टडी करके, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। अब आपने इजिप्ट देखा होगा, इजिप्ट में बहुत बड़े बड़े पिरामिड होते हैं, और उन पिरामिड के अंदर क्या होता है, ममीज होते हैं। अब ममीज कौन होते थे उस टाइम के किंग, ठीक है, दे वर क्वाइट रिच, तो उनके साथ उनके जो जब उनके ब्यूरियल्स होते हैं उनके अंदर सोना चांदी वगैरह दफनाते थे लोग। सम ऑफ विच वर कंटेम्पररीज विद द हरप्पन साइड, उनमें से कुछ जो है वो हरप्पन टाइम के पीरियड के हैं। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल ब्यूरियल, उनमें से बहुत सारे जो पिरामिड थे वो रॉयल ब्यूरियल्स हैं। अर्थात क्या, अर्थात नौमी मतलब वो रिच ब्यूरियल से, इट मीन्स कि क्या, इट मीन्स जो लोग होंगे, जो वहां के लोग होंगे, जो वहां के लोग होंगे रॉयल, वहां के जो लोग होंगे वो रिच होंगे, ठीक है। विच इन वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज, वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज, वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वॉज बरीड, जहाँ पे इनॉर्मस क्वांटिटी वेल्थ को है वो दफनाया गया। अगर एक इजिप्ट का एक राजा है, अगर वो यहाँ पे मर गया, चलो दफना दिया गया, तो यहाँ इनके साथ क्या दफनाया जाता था, चूना चांदी, ये क्या दिखाता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा अमीर है, क्या दिखाया जाता था कि बहुत ज़्यादा रिच है, ये दिखाते थे। आ गया हूँ अब एट ब्यूरियल्स इन हरप्पन साइट द डेड, अब हरप्पन साइट का जो ब्यूरियल मिला है, द डेड वर जनरली लेड इन अ पिट, जनरली कहाँ मिलते थे भाई, एक गड्ढा कर दिया उसी के अंदर ही बस दफना दो इंसान को, ठीक है। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेज इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड, अब कभी कभी डिफरेंस हो सकता है कि भाई अगर वो अमीर होगा, अगर कोई आदमी अमीर है तो वो ईंटों से बनवाएगा, कोई आदमी गरीब है तो सीधे भाई गड्ढा करेंगे उसके अंदर डालो भाई मारो खत्म करो उसको, जो अमीर होगा उसके लिए क्या करेंगे, सजाएंगे बढ़िया सा, ठीक। लेड इन पिट्स, समटाइम देयर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड, इन सम इंस्टेंसेज द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। क्या होता था कि भाई जो होलोड स्पेस है, अमीर आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भाई ब्रिक से अलाइन कर दिया जाता था, ब्रिक लगा के बढ़िया सा, है ना। कुड दीज वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, क्या ये सोशल डिफरेंसेस को दिखाता है, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते कि भाई सोशल डिफरेंसेस को दिखाता है कि नहीं, क्योंकि हमें जो नॉर्मल जो आदमी के ब्यूरियल मिले हैं वहाँ पे एक आदमी को गड्ढे में सिर्फ दफना दिया गया है, और कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या एक ब्यूरियल में ईंटों से सजा वजा के भी रखा, सजा के मतलब बढ़िया से क्या, बढ़िया से ईंटों से इनके लिए ब्यूरियल बनाया गया, मतलब एक टाइप का जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, मतलब कि बॉक्स टाइप का होता है उसके अंदर आदमी को डाल देते, तो वैसे ही समटाइम समथिंग कुछ ऐसी ईंटों से बनाया गया। सम ग्रेव्स कंटेन पोटरी एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दीस कुड बी यूज इन द आफ्टर लाइफ। देखो कुछ ग्रेव्स में मिले हैं इनको क्या, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पोटरी मिले हैं, शायद ये बिलीव करते हो आफ्टर लाइफ में भाई मरने के बाद भी इंसान की जिंदगी होती है। ज्वेलरी हैव बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन दोनों की ब्यूरियल में हमें क्या मिला है, ज्वेलरी, ठीक है, क्या मिला अपने को, ज्वेलरी। इन फैक्ट इन द एक्सकवेशन ऑफ एट द सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सेल रिंग्स जेस्पर, जेस्पर एक जेस्पर एक सेमी प्रीसियस स्टोन होता है, बीड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीड्स वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मैड ऑफ अ मेल। अब एक भाई मेल है, एक आदमी मर गया भाई चलो खत्म, उसके आसपास इनको रिंग्स दिखी है, मोतियाँ दिखी है, पत्थर दिखी है कीमती, ठीक है।
अभी क्या दिखाता है कि दैट द मैन वॉज क्वाइट रिच, है ना। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर, कहीं कहीं भी हमें देखा गया कि भाई जो आदमी है तो कॉपर मिरर के साथ दफनाया गया, क्यों, ताकि वो मरने के बाद जाके स्वर्ग लोक में या समवेयर जाके देख सके, अरे वाह मरने के बाद मैं इतना बढ़िया दिखता हूँ ना, ऐसा हो सकता है क्या। सो ऑन होल अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो इट अपीयर दैट हरप्पन डिड नॉट बिलीव इन बर्निंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, हमने देखा होगा भाई इनमें से कुछ भी चीज प्रीशियस नहीं है। अब कॉपर वॉज वेल नोन टू दैट पीपल, कॉपर जो था वो वेल नोन था उन लोगों के लिए, तो भाई कॉपर का जो मिरर है उसको कोई फायदा थोड़ी है, कॉपर इज नॉट अ गोल्ड और सिल्वर ना। तो यहाँ पे देखा गया भाई कोई भी मतलब ऐसे प्रीशियस स्टोन को कोई नहीं दफनाते थे लोग, ठीक है, मतलब जो है इनके पास वो दफना दो, लकड़ी वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो कुछ सेमी प्रीशियस कुछ लोगों में देखा गया कि भाई सेमी प्रीशियस स्टोन को दफना रहे हैं, कुछ में नहीं देखा गया, तो सो वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि भाई दे आर कि उनको दफनाया जाता था, कि उनके साथ जो है वो प्रीशियस चीज़ों को नहीं दफनाया जाता था। सो वी कैन नॉट से कि भाई ये लोग, वैसे तो इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन थे इनके अंदर, भाई देखो कोई भी सोशल हायरार्की थी, भाई एक आदमी अमीर है तो एक गरीब है, क्योंकि हमने देखा कि भाई बहुत सारे लोग सिर्फ गड्ढे में दबके मर गए, और किसी किसी के लिए मस्त सजाया हुआ है कि भाई आप आओ और मरो यहाँ पे, है ना। तो देयर वॉज सोशल डिफरेंस बिटवीन देम। अब एक और तरीका होता है कि भाई ये जो इस्तेमाल यूज़ करते थे, अब लुकिंग फॉर लग्जरीज, अब भाई अगर हमारे देखने को मिल जाए भाई कोई लग्जरियस चीज़, तो मतलब यहाँ पे सोशल डिफरेंस होगा। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई द सोशल डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमें मिली है चीज़ें उनसे अगर उनको देखा जाए तो पता चल जाएगा कि भाई ये लोग अमीर थे या गरीब थे, सोशल हायरार्की कैसी थी इनकी। विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाइज एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जूरियस। अब यूटिलिटेरियन क्या होता है, जिसको हम डेली यूज में लाते हैं, डेली यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम डेली यूज में लाते हैं। लग्जूरियस यू नो भाई, लग्जूरियस तो लग्जूरियस होती है, ऑडी मर्सिडीज टाइप। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। अब जो यूटिलिटेरियन होगा उसके अंदर क्या होगा भाई, ऐसी चीज़ें होंगी जो डेली यूज में लोग उसको डेली यूज करते हों, जैसे कि कॉर्न्स हो गया, पोटरी होगी, नीडल्स हो गया, फ्लैश रबर हो गया। अब कॉर्न्स क्या हो, मैंने बता दिया कि वो सिलबट्टा वाला, वो अवतल चक्की, अवतल चक्की जिसमें एक छोटा सा रोल इस पर रख किया जाता था, मैं फोटो दिखाया था ना, रुको देखो, तो कौन सा क्या होता है, ये रहा तो ये रहा कौन सा तुम्हें दिखाया, ये रहा ये क्या है हमारा कौन सा ना, मैंने बताया भाई कि ये कौन से होते हैं, ठीक है आओ तुम्हें दिखाने के चक्कर में ना हमारे पेज ऊपर नीचे जाते हैं यार, है ना। आओ यहाँ दे, सो वी सी कि भाई वी सी कि भाई देखो यहाँ पे जो कॉर्न्स है, पोटरी है, नीडल्स है, फ्लैश रबर्स है, दे आर नॉट एक्सपेंसिव और ये डेली यूज में आते थे। सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। अब पूरे सेटलमेंट में मिले हैं हमें ये चीज़ें, क्या कॉर्न्स, पोटरी, नीडल, फ्लैश रबर्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरियस इफ दे आर मेड ऑफ रेयर मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। अब हम किस चीज़ को रेयर बोलेंगे, या तो भाई वो इस देश की ना हो, या तो उसको बाहर से लाया गया हो, या तो उस चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती हो। इनफैक्ट देखा जाए जो कि हम प्राइस में क्वाइट हाई होते हैं वही चीज़ तो लग्जीरियस होती है, उनकी कीमतें ज़्यादा होती है वही लग्जीरियस होती है। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए लग्जीरियस क्या है, जो कि रेयर हो, जो नॉन लोकल मटेरियल से बनी हो। तो इनके लिए क्या मिलता है, इनको एक पोर्ट मिलता है फेंस का। अब फेंस क्या होता है, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर। तो ये देखो ये फायंस का पोर्ट है, ये बनता कैसा है कि सिलिका होता है उसके अंदर कलर लगाते हैं, फिर उसको गम से चिपकाते हैं, फिर उसको जला के हमारे पास ऐसा पोर्ट मिलता है। भाई देख लो कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। वर प्रॉब्ली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक। क्यों भाई इसको क्यों इन्होंने प्रीसियस कंसिडर किया, क्योंकि भाई ये मुश्किल से बनता था, इनके बनाने की टेक्नोलॉजी देखो, बनाने का जो टेक्नोलॉजी देखो वो क्वाइट हार्ड है कि नहीं। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली
ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल वॉल्स ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस बाई स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल्स। जो स्पिंडल वॉल्स थे वहाँ पे, स्पिंडल वॉल्स जो थे जो मिले इनको, वो इन्होंने देखा कि भाई रेयर मटेरियल से बने। कैसे? रेयर मटेरियल से। रेयर मतलब किससे, कौन सा रेयर मटेरियल था? रेयर मटेरियल कौन सा था भाई? रेयर मटेरियल हमारे पास फैंस था ना बेटा, बताओ तो सही। रेयर मटेरियल क्या था हमारे पास? फैंस था। तो उन्होंने देखा कि भाई अब ये स्पिंडल वॉल दिखता कैसे है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है देखो। तो ये किससे बनता? फैंस, ठीक है। ये धागा वगैरह लपेटने के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ गए। तो उन्होंने देखा कि ये फैंस से बना है। डू वी क्लासीफाई दीज एज अ यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस? आप इनको कैसे क्लासीफाई करके भाई यूटिलिटेरियन है या लग्जीरियस है बताओ। इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, अगर हम स्टडी करें आर्टिफैक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल एंड आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। हम देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस जो महंगी चीजें हैं, जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, और रेयरली मिली है, बहुत कम मात्रा में मिली है। कहाँ पे? स्मॉलर सेटलमेंट्स पे। एग्जाम्पल के लिए हमें मिला है मिनिएचर पोर्ट्स जो कि फैंस से बना था, ठीक है। शायद इनका यूज एज ए परफ्यूम बॉटल हो, परफ्यूम बॉटल की तरह इनका यूज होता हो, जो कि कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, ठीक है। एंड देयर आर नन फ्रॉम अ स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीमंगन, और भाई इनका कोई एविडेंस नहीं मिला है किस चीज़ का? मिनिएचर पोर्ट का, जो कि शायद परफ्यूम बॉटल का यूज होता है, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिला है, और इसका कोई एविडेंस नहीं मिला हमें कहाँ पे? कालीमंगन में, ठीक है। गोल्ड था, गोल्ड वॉज टू रेयर एंड एट अ प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीसियस। आज के टाइम में देखो तो भाई गोल्ड कितना महंगा है, ठीक है। तो गोल्ड भी मिला है। तो गोल्ड मिला कैसे? हॉर्ड्स में, रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्ड्स। हॉर्ड्स मीन्स लोग पहले या तो उसको छुपा के रख देते होंगे, छुपा के रखे होंगे, और बहुत मात्रा मिला, एक ही जगह पे मिला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट मीन्स भाई लोग उसको छुपा के रख दिए होंगे, ठीक है, ताकि भाई अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए तो समवेयर समवन जो उसके बाद है, उसके बाद जो बच्चे वगैरह हो उसके, वो इसका यूज़ करें, है ना, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने चार पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। पांचवा हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आई नो थोड़ा बहुत चीज़ें समझ नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें जो सिर पर गई होगी, बट कोई बात नहीं। एक बार अगर बुक पढ़ लोगे जो मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद एक बार बुक पढ़ लोगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, मस्त घूमो फिरो, पेपर की तैयारी करो, एग्ज़ाम है, ठीक है। चलो, जय हिंद।